कोरोना महामारी के चलते पहले ही लोग बहुत परेशान हैं। ऊपर से ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के बाद अब बच्चों को एक नई बीमारी घेर रही है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आपके घर में किसी को कोरोना हुआ है तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के बाद अब बच्चों में ये बीमारी देखने को मिल रही है। इस संबंध में बातचीत करते हुए जिंदर में अंकुर अस्पताल के बच्चों के माहिर डॉक्टर जगदेव चौधरी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी देखने में क्या आ रहा है कि बच्चों को एक बीमारी आ रही है कोविड की वजह से, ये क्या है, क्यों आ रही है, इसका क्या है इलाज है? सर, मैं थोड़ा आपको डिटेल में इसके बारे में बताता हूँ। ये जो बीमारी है, ये जब से कोविड आया है तब से प्रॉब्लम हम देख रहे थे बच्चों में। फिर धीरे धीरे सारे वर्ल्ड के जो मेडिकल जर्नल्स हैं और हमारे डॉक्टर्स की जो सारी संस्थाएँ हैं, उन्होंने सारों ने ये निकाला, एम्स हमारा दिल्ली है, ICMR वगैरह ने बताया कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसको बोलते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम पोस्ट कोविड। कोविड इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर एक घर के चार मेंबर हैं या पांच मेंबर हैं, उनमें दो बच्चे हैं, वो सारे उनको कोरोना हो गया है, तो बच्चों को उस समय कुछ नहीं होता जब एक्यूट फेज़ है कोरोना का, जब सारे फैमिली मेम्बर बीमार हो रहे होते हैं या कईयों को हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है, उस समय बच्चे भगवान की दया से बचे रहते हैं। पर जब वो ठीक हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है, जो कोरोना के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में, वो एंटीबॉडी ही बच्चों के ऊपर असर करने लग जाती है, बच्चों की बॉडी के ऊपर नुकसान करना शुरू कर देती है। ऐसा हर केस में नहीं होता कि हर कोरोना केस में हो, पर अराउंड 5-10% केसेस जिनको कोरोना हुआ है बच्चों को, और कई बार तो ऐसा होता है कि उनको पता भी नहीं होता फैमिली को, क्योंकि किसी को सिम्टम्स हुए ही नहीं, ना कोई टेस्ट हुआ, तो पर फिर भी वो कोरोना हुआ होता है, और बाद में जब हम उनका एंटीबॉडी कराते हैं तो उसके लेवल बहुत हाई होते हैं। वो एंटीबॉडीज जो हैं हमारी बॉडी के ही सारे अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, उसको बोलते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी, मतलब सारी बॉडी के जो अलग अलग सिस्टम्स हैं, जैसे हमारा ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, इंटेस्टाइन्स हो गए, किडनीज हो गई, इन सबको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं वो एंटीबॉडीज़, जो एक तरह की हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ही हमारे अगेंस्ट काम करती है, और बच्चा इसमें काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो सकता है। इस केस में क्या होना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए? अब देखो, ऐसा इसमें ध्यान ये है कि अगर फैमिली में कोविड हुआ है, चाहे बच्चे का टेस्ट हुआ या नहीं हुआ, हम ये मान के चलें कि उनको भी, क्योंकि घर में सेम ही रहते हैं, एक्सपोजर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अगर उनको उस समय कुछ भी नहीं हुआ तो भी बाद में 1.5 या 2 महीने बाद अगर बच्चे को तेज़ बुखार आना शुरू हो गया, तेज़ बुखार मतलब 102-101 बुखार, 3-4 दिन से ज़्यादा बुखार आ रहा है बच्चे को, या फिर उसको बच्चे को लूज़ मोशन लग रहे हैं, आँखें सूज रही हैं, या गिल्टियाँ जो गले के अंदर गिल्टियाँ सूज रही हैं, या स्किन पे स्किन उतर रही है, चमड़ी उतर रही है, या रैशेज आ गए बॉडी पे, ये सारे सिम्टम्स होते हैं इस बीमारी के। ये तो हम देखने के लिए सिम्टम्स हैं, पर ये बीमारी हमारे सारे शरीर को अंदर अंदर नुकसान पहुँचाना शुरू कर देती है अगर इसका टाइमली इलाज ना हो, क्योंकि इसकी अवेयरनेस नहीं है। हम जो हमारे मेडिकल पीडियाट्रिक्स के डॉक्टर हैं, जो बच्चों के डॉक्टर, उनको तो पता है, पर जो जैसे गांव में छोटे लेवल पे डॉक्टर होते हैं जिनको इतनी नॉलेज नहीं है, या फिर कई लोग केमिस्ट शॉप से इलाज करा रहे हैं, उनको ये नॉलेज नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट लेट हो जाता है और तब तक उसके सारे अंगों पे उसे असर हो जाता है, फिर उसको बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर ये टाइमली आ जाए तो इसका बहुत ईजीली इलाज है और बच्चे सारे ठीक हो जाते हैं। कितनी उम्र से लेकर कितनी उम्र के बच्चों को ये ज़्यादा हो रही है? देखो, ये ज़्यादातर आमतौर पर 6 से 10 साल के बच्चों में हो रही है, पर ये जो डिस्क्राइब्ड है हमारे पास भी जो केसेस आ चुके हैं, 1 साल से लेके 15-16 साल तक के बच्चों के भी ये केस आ चुके हैं हमारे पास। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें, कहीं घर में जैसे कोई पॉजिटिव केस आया है तो बच्चा भी पॉजिटिव है, क्या उसको भी इस तरह की बीमारी होने के चांसेस हैं कोविड के बावजूद? हाँ, वही बता रहा हूँ मैं, जब घर में कोविड की प्रॉब्लम आई है, सारे पॉजिटिव हो गए, तो उस समय बच्चे बचे रहते हैं। कोविड की खासियत है, जिसकी उम्र ज़्यादा हो गई है, जिसको डायबिटीज़ है या कुछ और साथ में बीमारी है, हार्ट बीमारी है, उनको कोविड नुकसान पहुंचाती है, पर बच्चे क्योंकि उनका सिस्टम नया होता है, उनको उस समय कोविड नुकसान नहीं पहुंचाती। इसमें क्या होता है, ये जो बच्चे जब ठीक हो जाते हैं उसके 1.5 महीने बाद, उनके अंदर जो ऑटो इम्यूनिटी बनती है, उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, वही बच्चे की बॉडी को नुकसान पहुंचाने लग जाती है। ठीक है, सो इसमें समझने की बात यह है कि ये इसमें बच्चा इन्फेक्शियस नहीं होता, मतलब ये नहीं होगा कि उस बच्चे से किसी और बच्चे को या बड़े को इन्फेक्शन हो जाएगी, वो छुआछात की बीमारी नहीं है वो वाली। इसलिए उस समय क्या है, उसकी बॉडी की इम्यूनिटी ही उसके अगेंस्ट काम कर रही है, वायरस तो निकल के जा चुकी, वायरस ने अपना काम करके चली गई है, अब उसकी इम्यूनिटी ही उसको नुकसान पहुँचा रही है। क्या करना चाहिए लोगों को, क्या अपील करेंगे? इसकी अपील यही है कि अगर आपकी फैमिली में
बुखार हुआ है कोविड का, अगर तो पता ही है कोविड, फिर तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर नहीं भी पता, पर अगर आपकी फैमिली मेम्बर को 2-3 लोगों को बुखार हुआ था और वो ठीक हो गए हैं, बच्चों को बुखार हुआ था ठीक हो गए हैं, तो 1.5-2 महीने बाद इस बीमारी के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर बच्चे की आंखें लाल हो रही हैं, अगर बच्चे के गिल्टियाँ सूज रही हैं, उसके हाथ पैरों की स्किन उतर रही है, या बॉडी पर रैशेज आ रहे हैं, या 3 दिन से ज़्यादा बच्चे को बुखार हो रहा है, तेज़ बुखार, तो आप अपने बच्चों के डॉक्टर को जरूर एक बार दिखाएं, क्योंकि उनको इस बारे में नॉलेज है कि ये बीमारी क्या है और इसका क्या इलाज। देश दुनिया दी ताज़ा खबरों के लिए हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक के उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हां नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत, ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं, अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो, ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।